dear students, how are you? I hope you all are safe and fine at your homes. Students, today we will revise subject English lesson number 4. The name of this lesson is The Thief. Thief means chore. Okay students, this is a story of a boy whose name is Manu. ये स्टोरी जो है एक लड़के की है जिसका नाम है मनु. नाउ लेट्स स्टार्ट. मनु वॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस. ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर. ऑन द रिवर बैंक देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री. मनु एक दिन अपने घर से बाहर जाता है घूमने और वो कहाँ चला जाता है? खेतों को पार करके एक नदी के किनारे. ओके, वहाँ पर एक बिग मैंगो ट्री होता है. मनु क्लाइम्ड अप द ट्री. ही सॉ अ बर्ड्स नेस्ट. ए बर्ड नेस्ट एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. मनु जो है वो पेड़ के ऊपर मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर उसे एक बर्ड का नेस्ट दिखता है. ओके, बर्ड नेस्ट एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. जो बर्ड नेस्ट होता है वो ब्रांच के बिल्कुल एंड पॉइंट पर होता है. ए बर्ड नेस्ट एट द एंड ऑफ द ब्रांच. द ब्रांच वॉज हाई अबव द वॉटर. जो ब्रांच होती है वो पानी से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है. ओके, मनु सॉ टू ब्राउन एग्स इन द नेस्ट. मनु को टू ब्राउन एग्स दिखते हैं नेस्ट में. ही टुक द एग्स एंड पुट इन द हिज पॉकेट. वो एग उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है. देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. वो नीचे उतरना स्टार्ट करता है. हिज फुट वॉज स्लिप्ड एंड फेल इन टू द रिवर. उसके जो फुट होता है वो स्लिप हो जाता है और वो नदी में गिर जाता है, रिवर में गिर जाता है. इन द रिवर देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कॉट मनुज लेग. रिवर के अंदर एक बिग क्रोकोडाइल होता है. क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ जो कि मनु की लेग को खींच लेता है, पकड़ लेता है. द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन एंड डाउन अंडर द वॉटर. क्रोकोडाइल जो होता है वो उसको पानी के अंदर अंदर ले जाता है खींचकर. एट लास्ट मनु सॉ अ बिग पैलेस एंड एंग्री किंग सैट ऑन ए थ्रोन. एट लास्ट, लास्ट में उसे एक बड़ा सा पैलेस दिखता है. उस वहाँ पर एक किंग मीन्स राजा एक सिंहासन के ऊपर, थ्रोन मीन्स सिंहासन के ऊपर बैठा होता है. द किंग सेड यू आर अ थीफ. यू स्टॉल द पुअर बर्ड्स एग. आई विल पनिश यू. जो किंग होता है वो मनु को कहता है कि तुम एक चोर हो, तुमने बर्ड्स के एग को चुराया है, मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगा. मनु ट्रेम्बल इन फियर. ही कुडंट स्पीक अ वर्ड. मनु डर से कांप जाता है, घबरा जाता है और उसके मुँह से एक अक्षर भी नहीं निकलता. द किंग सेड टू ए क्रोकोडाइल. गिव दिस थीफ अ 20 लैशेज ऑन हिज बैक विद योर टेल. जो किंग होता है वो क्रोकोडाइल को कहता है कि तुम अपनी टेल से इसको 20 लैशेज, इसको पीछे बैक में 20 लैशेज इसको मारो, उसको उसकी बैक में 20 टाइम्स उसकी अपनी टेल से इसकी बैक में मारो. द क्रोकोडाइल मूव फॉरवर्ड. इट लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट मनुज बैक. क्रोकोडाइल आगे बढ़ता है मनु की साइड और वो अपनी टेल को उठाता है उसको मारने के लिए, मनु की बैक में मारने के लिए. ए शार्प क्राई केम आउट ऑफ मनुज माउथ. मनु तभी जोर से चिल्लाता है. जस्ट देन मनु वॉक अप. इट वॉज ओनली अ ड्रीम. उसी में मनु उठ जाता है, वो एक सपना देख रहा होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि चोरी करना जो है एक बुरी बात है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन. नाउ फर्स्ट वर्ड इज थीफ. THIEF. थीफ. थीफ मीन्स चोर. ओके, नंबर टू स्टील. STEAL. स्टील. स्टील मीन्स चोरी करना. नंबर थ्री क्लाइंब. CLIMB. क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. ओके, नंबर फोर्थ FELL. फेल. फेल मीन्स नीचे गिरना. नंबर फाइव इज ड्रीम. DREAM. ड्रीम. ड्रीम मीन्स सपना. नंबर सिक्स ट्रेम्बल. TREMBLE. ट्रेम्बल. ट्रेम्बल मीन्स घबराना. नंबर सेवन थ्रोन. THRONE. थ्रोन मीन्स राज सिंहासन या राज गद्दी. नाउ कम ऑन पेज नंबर 14 पार्ट 1. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द वर्ड इन द स्टोरी. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर वन इज मनु वॉक्ड अक्रॉस द डैश. मनु
खेतों को पार करके रिवर गया, रिवर के किनारे गया था ना. सो राइट डाउन, मनु वॉक अक्रॉस द फील्ड्स टू द रिवर. ओके स्टूडेंट्स, नंबर टू, मनु क्लाइंब्ड अप द डैश. मनु किसके ऊपर चढ़ा था? ट्री के ऊपर. राइट डाउन ट्री, टी आर डबल ई, ट्री. नंबर थ्री, इन द नेस्ट देयर वर डैश. नेस्ट में उसे क्या दिखा था? टू ब्राउन एग्स. राइट डाउन टू ब्राउन एग्स. नंबर फोर, मनु स्लिप्ड एंड डैश. मनु स्लिप होके कहां गिरा था? रिवर में. मनु स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. मनु स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. नंबर फाइव इज, देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल. कहां पर था बिग क्रोकोडाइल? इन द रिवर. राइट डाउन इन द रिवर, देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल इन द रिवर. नंबर सिक्स, द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन अंडर द वॉटर. क्रोकोडाइल जो था वो मनु को कहां ले गया था? खींचकर पानी के अंदर. मनु डाउन अंडर द वॉटर. द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन अंडर द वॉटर. नंबर सेवन, द किंग कॉल्ड मनु ए डैश. किंग ने मनु को क्या कहा था? थीफ कहा था, चोर कहा था. द किंग कॉल्ड मनु अ थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ. नंबर एट, द क्रोकोडाइल लिफ्टेड इट्स टेल टू. क्रोकोडाइल ने अपनी जो टेल थी उसको क्यों लिफ्ट किया था? स्ट्राइक एट द मनुस बैक, टू स्ट्राइक एट द मनुस बैक. नंबर एट, द क्रोकोडाइल लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट द मनुस बैक. मनु की बैक में मारने के लिए क्रोकोडाइल ने अपनी टेल को लिफ्ट किया था. नाउ कम ऑन पेज नंबर 42. रीराइट ई सेंटेंस करेक्टली. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि रॉन्ग हैं, उनमें कुछ वर्ड्स उनको आपने करेक्ट करके राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर वन इज, यू इज ए थीफ. यहाँ पे हम क्या चीज करेक्ट करेंगे? यस, इज करेक्ट करेंगे. यू के साथ इज नहीं लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है. ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन, यू आर ए थीफ. You are a thief. This is a correct sentence. Number two, he fell in the river. यहाँ पे हम किस चीज को correct करेंगे? In के साथ क्या लगाएंगे? To, है ना? He fell into the river. क्या लिखेंगे? He fell into. In की जगह हम लिखेंगे into the river. नंबर थ्री इज, ही सॉ अ बर्ड्स नेस्ट. यस, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी लगा है ये रॉन्ग लगा है, इसको हम ठीक करके लगाएंगे. ही सॉ अ बर्ड लिखेंगे, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर एस लिखेंगे, बर्ड्स नेस्ट. ओके, नंबर फोर इज, The croc catched his leg. Yes, यहाँ पे हम क्या चीज करेक्ट करेंगे? Catched. Catched की जगह हम क्या लिखेंगे? Caught. Caught means पकड़ना. The croc. Croc is crocodile. Okay. Catched की जगह हम लिखेंगे caught. K A U G H T. Caught his leg. The croc caught his leg. नंबर फाइव, ही सॉ एग्स इनटू द नेस्ट. यस, यहाँ पे क्या चीज करेक्ट करेंगे? इनटू को करेक्ट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे हम ही सॉ
X in the nest. He saw eggs in the nest. Number 6. Manu climbed on the tree. Yes, क्या चीज करेक्ट करेंगे यहाँ पे? On. On की जगह हम लिखेंगे up. क्या लिखेंगे? Up. Manu climbed up the tree. Manu climbed up the tree. So this is the exercise. Now come on page number 43. Months of the year. Students, can you tell me how many months in a year? Yes, very good. 12 months in a year. Okay students, कितने months होते हैं? One year में, एक साल में 12 months होते हैं. First is January. Number 2, February. Third month is March. Fourth month, April. Fifth month, May. And sixth month is June. Okay. Seventh month is July. Eighth month is August. Ninth month is September. And tenth month is October. 11th month is November. And 12th month is December. Okay. Now there are some questions. What is the first month of the year? First month कौन सा होता है year का? Yes, very good. January. कौन सा month होता है? January first month होता है. What is the third month of the year? Yes. What is the third month of the year? March. Yes, very good. March is the third month of the year. And what is the last month of the year? See, what is the last month of the year? December. December is the last month of the year. So students, these are the months of the year. So students, that's all for today's class. I hope you understood this chapter properly. So revise this chapter again at your homes. Thank you. Have a nice day.